रावण रावण पान छुआ नहीं चापा, रावण पान को छुआ ही नहीं, भूप कर दापा। सो धनुराज कुंवर कह दे बाल मलाल की मंदर ले। जो रावण इतना बड़ा वीर है, जिसने कैलाश को उठा लिया वो चला गया, मतलब सब इस तरह से इतने कठोर धनुष को इस बालक को दे रहे हैं, सीता जी की माता कह रही हैं। इतना कठोर परीक्षा। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप कर दापा। सो धनुराज कुंवर कह दे बाल मलाल की मंदर ले। भूप भूप सयानप सकल सियानी, सक विधिगत कछु जानी न जानी। भोली चतुर सखी मृदुबानी, तेज मंत्र लघु गनियन रानी। मतलब इस तरह से जब सीता जी की माता कही तो सखी ने कहा कि नहीं माता, ऐसा न कहिए, ये छोटे भले हैं लेकिन तेजवंत है, ये तेज से भरे हुए हैं। कहाँ कुंभज कहाँ कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, सोके सुजस कल संसारा। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय हासत उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। मतलब कहाँ कुंभज कहाँ कुंभ सिंधु शरीरा, कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु पारा। मतलब कहाँ कुंभज ऋषि कहाँ सिंधु पार, सोखे सुजस का संसारा। मतलब कहाँ कहाँ घड़े से उत्पन्न कुंभज ऋषि, घड़े से उत्पन्न छोटे से मुनि अगस्त को कहाँ अपार समुद्र, किंतु उन्हें सोख लिया जिसका सूच सारे संसार में प्रसिद्ध है। कुंभ से घट से जन्म हुए थे, अगस्त ऋषि घट से जन्म हुए थे, लेकिन समग्र सागर को सूख गया था। लगता है लेकिन वो तीनों लोक को प्रकाशित कर देता है, मतलब छोटा न जाने इनको। मंत्र परम लघु ब्याल मंत्र परम लघु जासु विधि, हरिहर सुख सर्व महामत गजराज कहाँ बस कर अंकुश खरव। जिसके बस में ब्रह्मा विष्णु महेश शिव और देवता हैं, वह मंत्र अत्यंत छोटा है छोटा होता है। महान मत वाले हाथी गजराज को छोटा सा अंकुश बस में कर देता है। काम कुसुम धनुषायक लीने, सकल भुवन अपने बस कीने। देवी तजी संसय यस जानी, भंजहु धनु राम सुनु रानी। मतलब इस तरह से रानी सुनो, इस धनुष को राम भंजेंगे। मतलब इतना बड़ा छोटा मंत्र होता है, मतलब जिसके जपने से ब्रह्मा विष्णु महेश आ जाते हैं। मतलब इस तरह से राम उस धनुष को तोड़ेंगे, मतलब ऐसा न घबराइए, चिंता मत करो। सखी बचन सुनि भय परतीति, मिटा विषाद बड़ी अति प्रीति। तब राम ही बिलो की भय देही, सभय विनती देहते ही। सखियों के वचन सुनकर के रानी श्री रामचंद्र जी समर्थ के संबंध में विश्वास हो गया, उनकी उदासी मिट गई और श्री रामचंद्र जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हो हृदय से जिस तरह देवता से विनती कर रही हैं, मानहु मन मानहु अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी, करहु सफल अपनि चौकानी, करी तेरहु चाप गरुआई। उस समय सीता जी ने देख करके ये प्रार्थना कर रही है कि पार्वती मेरी सौकाई की मतलब आज अदा कर दो। हे भवानी भवानी, मतलब अगर मैं आपको मन वचन कर्म से पूजा की है तो इसको आप आज सफल करवा दो। राम जी का इच्छा सफल करवा दो, मतलब इस धनुष की गरुआई को हर लो। ओह अच्छा, गरुआई को हर लो। हाँ। गण नायक वरदायक देवा, आजू लगे कीन्हे तुम सेवा। अजुए के लाग तुम्हार सेवा के रहे, अजुए बिना। गण नायक वरदायक सेवा, आजू लाग लीन्हे कर सेवा। बार बार विनती सुनि मोरी, करहु चाप गर तायत थोरी। मतलब इस तरह से हमारी बार बार विनती है, अब इस धनुष की गर्ता को हर लो, लघु कर लो, हल्का कर दो।